हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिस चैनल का नाम है यू एंड मी। और कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ, और वो प्रोडक्ट है लैक्मी का लिक्विड परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जिसका मैं रिव्यू लेकर आई हूँ, अपने स्टाइल से अपने तरीके से करूँगी मैं, ठीक है। और मेरे वीडियो को अंत तक देखें। मैं अपनी वीडियो में आज आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आजकल हर प्रोडक्ट के फेक प्रोडक्ट्स आ गए हैं, इस तरीके से लैक्मी का इसका भी फेक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इसको ओरिजिनल और फेक में कैसे फाइंड आउट करोगे, उसकी मैं एक सिंपल सी ट्रिक्स देने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा विदाउट स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसकी पैकेजिंग की बात। तो पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरीके से, आउटर लुक इसका इस तरीके से है। इसकी पैकेजिंग कोई कार्डबोर्ड में नहीं आती है और ना ही बहुत क्लासी डब्बे में आती है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आती है। इसकी बॉटल जो है ग्लास बॉटल में आती है, ठीक है। इसका कैप इस तरीके से प्लास्टिक का दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट ये जो है ग्लास बॉटल है, प्लास्टिक का नहीं है। चीप प्लास्टिक जो होते हैं वो भी उसके प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए कभी कभी हार्मफुल हो जाते हैं लाइक। तो एंड इसमें आपका फिर बात करते हैं इसमें इसकी क्या क्लेम करती है आपकी, ठीक है। तो ये क्लेम करती है आपकी, ये परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन है, ब्लेंड इजीली इनटू योर स्किन टू क्रिएट सॉफ्ट ग्लोइंग फेदर लाइट फिनिश। ये ऑयल फ्री है विथ विटामिन इंस के साथ, वाटर रेसिस्टेंट है। ये तो तब पता चलेगा जब हम आपका रिव्यू इसके साथ शेयर करेंगे, अपने पे डेमो करके बताएंगे। फिलहाल इसमें इतना ही लिखा गया है और इसमें किसी भी तरीके का कोई इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो शेयर नहीं किया गया है, ना ही इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। इसकी सेल्फ लाइफ है आपकी 30 मंथ्स। इसकी सेल्फ लाइफ 30 मंथ्स है। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, इतने टाइम तक तो ये यूज़ हो भी जाएगा, बट मेरा तो नहीं होता है, लास्ट में एक्सपायरी होके फेंका ही जाता है, क्योंकि मैं डेली वेयर पे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाना नहीं पसंद करती हूँ। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग है 140। ये 140 रुपीज़ का आता है। इसका क्या है प्राइस रेंज, कभी 5 रुपया इधर, कभी 10 रुपया इधर उधर होते रहता है। किसी को 145 में मिलता है, किसी को 155 में, बट मुझे ये 140 में ही मिली है, क्योंकि मैंने इसे ऑनलाइन बाय नहीं किया है, इसे ऑफलाइन बाय किया। अगर आप ऑनलाइन बाय करोगे तो इसमें 10-20 रुपये का डिस्काउंट हमेशा रहता ही है। और ये मैं हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट लेकर आती हूँ जैसे कि हमने आपको बताया है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन इजीली आप लोगों को अवेलेबल हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी शेड की। तो इसकी शेड चार आई थिंक शेड है इसकी, जो अपने अपने स्किन टोन से मैच करते हुए लोग खरीद सकते हैं। विटिस के लिए अलग है, मार्बल, पर्ल और इस टाइप के कुछ शेड है, बट मेरे पास जो है वो है नेचुरल मार्बल। मेरे शेड जो है वो है नेचुरल मार्बल। इस तरीके से कैप के टॉप पे आपका जो शेड नंबर है वो लिखा रहेगा आपका, ठीक है, नाम फॉर फेयर टू विटिस स्किन। ये फेयर से विटिस स्किन के लिए है जो भी है, और मेरा स्किन टोन थोड़ा येलोस टाइप का है, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। जब भी आप फाउंडेशन खरीदें तो आपके शेड का ख्याल हमेशा रखें। अब मैं बात करती हूँ, इस पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसके बारे में सारी बातें हमने कर चुकी हैं, इस पर जो भी इसने बताया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अब इसको हम ओपन अप करते हैं। जब हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इस पर पंप नहीं दिया गया है, जो कि यूजली आजकल के हर ये में रहता है। आई थिंक ये जैसा इसका डिस्कवर हुआ था पुराने टाइम में, वैसा ही आज भी है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। अगर एक पंप अगर यूज़ कर दिया जाता, मतलब आई थिंक 5-10 रुपये का पंप ही लगा देते यार, तो फिर आई थिंक थोड़ा बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता हमारे लिए। बट ये कुछ इस तरीके से, जिससे हमारा प्रोडक्ट वेस्ट होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है और मैसी लुक भी आता है। अब हम इसकी टेक्सचर की बात करें तो इसकी टेक्सचर जो है वो काफ़ी वाटरी है। आई थिंक उतनी वाटरी भी नहीं है, बट लिक्विड फाउंडेशन है तो ऑब्वियसली ये लिक्विड टाइप का ही है। आप देख सकते हो इस तरीके से मैं अपने फिंगर्स में डैप करते हुए दिखा रही हूँ आपको। ये काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाता है। इसकी खुशबू भी वो काफ़ी माइल्ड है, आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी आपकी नोज़ को, अगर सेंसिटिव नोज़ है तो। एंड काफ़ी माइल्ड है ये, एंड बहुत लाइट कवरेज दे रही होगी आई थिंक, आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट एक लाइट और नेचुरल जो होना चाहिए वो है इस पर।
बहुत ज़्यादा आप हाई कवरेज एक्सेप्ट नहीं कर सकते इससे, जहाँ तक हमको पता है, क्योंकि अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिंपल्स प्रॉन स्किन है एंड बहुत ज़्यादा डार्क सर्किल है एंड पिगमेंटेशन है, तो इसे कवर करने में कोई हेल्प नहीं करती। एक नेचुरल है जिससे आप लाइट वेट है, जिससे आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते हो। लाइक बिगनर्स हो या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, तो बहुत हैवी फाउंडेशन आप नहीं लगा सकते हो। ये बहुत लाइट है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है और कोई कैकिनेस नहीं छोड़ता आपके स्किन पे। बट आप हमेशा याद रखना कि आप जब भी फाउंडेशन लगा रहे हो तो सबसे पहले मॉइस्चराइज अपने फेस को ज़रूर कर लें, और हो सके तो प्राइमर लगा ले। इससे क्या होगा, ये काफ़ी देर स्टे रहेगा, बट आप मॉइस्चराइज़र भी सिर्फ लगा सकते हो। अब हम इसकी बात करेंगे, टेक्सचर की बात हो चुकी, इसकी खुशबू की बात हो चुकी, कलर की और सारी चीज़ों की, तो अब हम इसका डेमो करके अपने फेस पर दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई किया है हमने, उसके बाद हमने कुछ नहीं, हाँ मेरे फेस पे मैंने मॉइस्चराइज़र, इसलिए शायद थोड़ा बहुत ऑयलीनेस दिख रहा होगा एंड एक पिंपल भी हो रखा है। तो मैं देखना चाहती हूँ कितना कवर इस सब पिंपल्स के स्पॉट्स को कर सकता है। मैंने निविया का लाइट मॉइस्चराइज़र अप्लाई पहले ही कर लिया है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र बहुत बहुत ज़्यादा मस्ट है, आपको लगाना ही चाहिए, उसके बाद ही आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। और एक टिप्स मैं देना चाहूँगी, अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपना फाउंडेशन जो है, यार इसको आप कितना भी करो हथेली पे लेके एक्स्ट्रा निकल ही जाती है कुछ भी करो, इसलिए मैं कैप का इस्तेमाल करती हूँ। इस पर लेती हूँ और इसके बाद मैं इस पर अपने स्किन पे डॉट डॉट करके अप्लाई करती हूँ। तो आप इतना काफ़ी, आई थिंक है ना, काफ़ी लिक्विड ही है, देखो। अब एक तरफ हम क्या करेंगे, अपने फिंगर से डॉट डॉट करके लगाएंगे और एक तरफ हम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर सकते हो, आप बफिंग ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं फिंगर से ही ज़्यादा ये करती हूँ, ब्लेंड करती हूँ। बीवी क्रीम हो, चाहे सीसी क्रीम हो, या फिर मॉइस्चराइजर हो, मॉइस्चराइजर तो फिंगर से ही करते हैं, सॉरी फाउंडेशन हो, बिकॉज मुझे बफिंग ब्रश और ये ब्यूटी ब्लेंडर मेरे बस की बात नहीं है, नहीं होती हमसे अच्छे से। कमान यार, देश स्टाइल अपना अपना, इससे पहले ना ही हम लोग कभी ब्रश यूज़ करते, ना ही बफिंग ब्रश यूज़ करते थे। फिंगर से बहुत अच्छे से ईजिली ब्लेंड कर सकते हो, फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बस उसमें ज़रा सा टाइम लगता है। तो अब अपने इस साइड पे मैं, हमने कुछ नहीं लगाया है, अपने इस साइड पे मैं जहाँ पे पिंपल्स के ज़्यादा स्पॉट्स है, मैं उस जगह पे फिंगर से करेंगे एंड इधर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से करूँगी, ठीक है। बट डॉट डॉट करके ऑल ओवर फेस में हम लोग लगा लेंगे। और ब्यूटी ब्लेंडर क्या है कि आप पहले उसे पानी पे अपना गीला कर लेंगे, जैसे कि मैंने कर लिया है पहले ही, इस तरीके से ब्लेंड तो नहीं किया अभी, बट हो गया इजीली दिस टाइप का, ओके। अब हम एक तरफ अपने हाथों से ब्लेंड करेंगे। हमेशा याद रखें, आप जब भी फाउंडेशन या कोई भी क्रीम लगाएं, आपके हैंड्स परफेक्टली क्लीन होने चाहिए, बिकॉज ऐसे ही हमारे फेस पे इतने पिंपल्स एंड बहुत सारे जर्म्स अफेक्टेड कर रखे हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल मिरर का यूज़ कर रही हूँ, हैंड से अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए टाइम चाहिए होता है एंड हैव सम स्पेस और पेशेंस आल्सो। दरअसल मेरे पास बफिंग ब्रश नहीं है और ना ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, जैसा कि हमने कहा है, आपके पास हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है, बस ज़रा से स्क्रीज एरिया पे ये कर रहा है, आई डोंट नो मैम। अब हम इस्तेमाल करेंगे इसका ब्यूटी ब्लेंडर का, ठीक है। इसके सारे वाटर जो होते हैं मैंने ऑलरेडी ये कर रखा है,
आप देखिएगा ब्यूटी ब्लेंडर से इजीली ब्लेंड हो जाएगा हमारे स्किन पे। इसको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो ब्यूटी ब्लेंडर से एक अलग ही फिनिशिंग आती है। हमें लगता था कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है। आप देख सकते हो इस पे कुछ अलग सा लुक है और ये परफेक्ट फिनिश दे रही है, एकदम लाइक लाइट क्लीन। ठीक है, अब पता चल रहा है कि ब्यूटी ब्लेंडर का क्या रोल्स है हमारे लाइफ में। ब्यूटी ब्लेंडर से इजीली बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है एंड पैचनेस थोड़ा भी नहीं है। इस पे वाइट कास्ट नज़र आ रहा है जो मैंने अपने हाथों से अप्लाई किया है। आप खुद देख सकते हो मैंने इस पे कुछ भी और नहीं लगाया, आपके सामने ही डेमो दे रही हूँ कि देखिए क्या डिफरेंस है। मुझे पता चल रहा है कि ये स्मूथ न्यूजिंग दे रही है, ये थोड़ा क्रिजनेस छोड़ रही है और ड्राई ड्राई हैंड की वजह से लग रही है। आई थिंक ये थोड़ा सा वाटर यूज़ किए थे हम लोग, और इसको इस तरीके से जितना भी होता है इसका पानी आप निकाल दोगे, उसके बाद ही इस तरीके से स्मच करोगे ब्यूटी ब्लेंडर से। तो आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से आई थिंक ये हो चुका है। आप देखो एक तरफ कितनी फिनिशिंग है एंड इस तरफ मेरे पिंपल्स के दाग तो उसने ज़्यादातर आई थिंक कवर नहीं किया है, बट इस प्राइस रेंज में इसने बहुत हद तक एक नेचुरल ग्लो हमारे फेस पे लाया है। आप देख सकते हो इस जगह पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई नहीं करा है, डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। ये काफ़ी ब्राइट लग रही है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है इस 140 रुपीज़ के रेंज में अगर हम कहें तो। ब्रांड भी बहुत सही है, लैक्मी का है, ट्रस्टेबल ब्रांडेड है, और आपके सामने ही हमने ये सब करके दिखाया है कि देखिए आप अपने हाथों से ब्लेंड करोगे ना तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा, और ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करोगे तो इस तरीके का मतलब इफ़ेक्ट आने वाला है। तो आप ज़्यादातर ट्राई करें कि ब्यूटी ब्लेंडर से ही करें, और अगर आपको ये बहुत जीप लगता था फिंगर कप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं एज यूजल करते ही रहती हूँ, फिंगर से ही करती हूँ, और आज आपको दिखाने के लिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करा है। एंड अगर आप इसके टू लेयर लगाओगे ना, टू लेयर्स में लगाओगे तो शायद ये कुछ हद तक और आपके जो भी स्पॉट्स है उसको कवर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, जहाँ जहाँ आपके स्पॉट्स हैं उस जगह पे टू लेयर इसका लगाओगे तो ये काफ़ी हद तक वर्क करेगी एंड काफ़ी वाइट कास्ट की तरह मेरे फेस पे तो स्पेशली नहीं कर रही है। कुछ लोगों के फेस में प्रॉब्लम होता है और बोलते हैं कि वाइट कास्ट छोड़ता है फेस पे, दरअसल वो वाइट कास्ट इसलिए लगता है क्योंकि आपको स्किन सेड आपका पता नहीं होता है। आप कोई भी सेड आपकी स्किन से जो मतलब मैच नहीं करता आप वो कलेक्ट कर लेते हो, तो आपको सेड का बहुत ख्याल रखना है ताकि आपके स्किन आपको अगर सेड के बारे में कोई नॉलेज ना हो तो आप ऑनलाइन बाय ना करें, आप ऑफलाइन ही खरीदें ताकि जब आपको टेस्ट पैच में दें तो आप स्किन पे चेक करके देख सको। ठीक है, और हम आपको एक और बात बताने वाले थे कि ये काफ़ी किफ़ायती बजट फ्रेंडली एंड ट्रस्टेबल ब्रांड है, आप इसको हमेशा यूज़ कर सकते हो बहुत हैवी फंक्शन में। आप आई थिंक अब मैं इसको जब लगाया हमने तो अब मैं आपको बता सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े फंक्शंस में इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइट कवरेज देती है, मीडियम कवरेज देती है, फिर भी मैं इसे ही यूज़ करती हूँ नाइट फंक्शन में जाने के बावजूद भी। लेकिन अगर आपके डार्क सर्किल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे कवर की ज़रूरत है, तो आई थिंक आपको मैबलिन या फिर कुछ और आगे जाने की ज़रूरत है, बट ये तब कवर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए हमारी ही तरह एंड जो एकदम हैवी ना लगे, नेचुरल सेड लगे, एकदम नेचुरल लगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी एंड हाउसवाइफ्स के लिए भी एंड स्पेशली ऑफिस गोइंग के लिए भी, क्योंकि काफ़ी लाइट है। सो आप इसे पिक कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और ये बोल तो नहीं हूँ मैं बजट फ्रेंडली भी है। ठीक है, तो अगर आप बिगनर्स हो और आपको इस्तेमाल करना है, एक फाउंडेशंस लेना है, तो आप इसे आराम से पिक कर सकते हो। और एक बात और ये है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको कॉम्पैक्ट से सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी,
ठीक है, आपको कॉम्पैक्ट से सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी आपकी स्किन को, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। लाइक मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी तो और वाइट ज़्यादा लगने लगूंगी, तो इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपके वाली स्किन है तो आप ज़रूर यूज़ करें। और हाँ, मैं आपको एक और टिप्स देने वाली थी कि फेक वर्सेस रियल में आप कैसे फाइंड आउट कर। आज के ज़माने में हर चीज़ का फेक आ चुका है, इसका भी फेक आ गया है, ठीक है। तो अब टीनेजर्स हो या कोई ऐसी लड़की हो जिसको नॉलेज नहीं है ये फेक है या रियल है, आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो मैं आपको एक ट्रिक्स देने वाली हूँ कि आप इसका मतलब कैसे पता करोगे। एक इजी टिप्स है जो मैं आपको देने वाली हूँ, आप जब भी शॉप में जाए आप फाउंडेशन बाय करो, इस तरीके से लो, उसके बाद आपका जो इस जगह पे लोगो रखा है लैक्मे का लिखा, आप उस पर सॉरी हल्का सा इस तरीके से, क्या जोर से भी जैसे आपसे हो, इस तरीके से नेल से, मैं बहुत ज़ोर से कुरेद रही हूँ इसको यार, बट फिर भी इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर यही चीज़ फेक होगा तो आपका ये जो लोगो जिसमें लैक्मे लिखा हुआ है ये निकल जाएगा। तो ये है ओरिजिनल और फेक में पहचान। और सेकंड टिप्स मैं देने वाली हूँ कैप के लिए, ये जो कैप आप जब खोलोगे ऐसा, क्योंकि सील तो नहीं आता है, जब भी आप खोलोगे आप खोल सकते हो, उसके बाद आपको अंदर में एक टॉप में देखोगे एक एक और कैप जैसा लग रहा है जिसमें हमारा प्रोडक्ट है, जो है एक्सेस प्रोडक्ट उस पर है वो दिख रहा है। लेकिन अगर आप फेक कर दोगे तो आई थिंक उस कैप में आपको वो जो कैप है अंदर में वो नहीं नज़र में आने वाली। तो अगर आप इतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हो, रियली गाइज वेरी इजी। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको फेक कस्टमर्स में, आपको दुकान वाले भैया कस्टमर जो है, आप बहुत दिमाग लगा के चीज़ें को खरीदना पड़ता है, आजकल हर कोई उल्लू बनाने में लगा हुआ है, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करें, और अगर निकल जाए तो दुकान वाले को समझा भी दे अपने स्टाइल से। तो ये था मेरा इस पे रिव्यू, एंड आई होप आपको मेरा ये रिव्यू एंड ये टिप्स बहुत यूज़फुल लगा होगा, एंड थोड़ा बहुत जो भी मिस्टेक्स हो जाता है मैं उसे रिकवर करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे, अगर थोड़ा भी आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको यही चीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बतानी है, अपने फैमिली मेम्बर को भी बतानी है, तो वेरी इजी, आप हमारे वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये अलर्टनेस रहे कि फेक क्या है और रियल क्या है। और अब मैं चलती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटी।